हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 4 में। आज हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करने वाले हैं और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से पैकिंग एफिशिएंसी निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ इस रिजल्ट के ऊपर यहाँ तक छोड़ा था। यहाँ पर क्या निकाला था हमने, आपका ए एज लेंथ और आर यानी रेडियस ऑफ एटम, इनके बीच में रिलेशनशिप ड्राइव किए थे तीनों केसेस के लिए, जिसमें सिंपल क्यूबिक के लिए आपका आर इक्वल्स टू ए बाई टू आया था, जिसके अंदर आपके दो एटम्स ऐसे जॉइन थे और बीच में ऐसा था। बीसीसी के लिए आपने बॉडी डायगोनल यूज़ की थी, जहाँ पे आर इक्वल्स टू रूट 3/4 ए आया था और रैंक ऑफ यूनिट सेल 2 आई थी। आपने फेस सेंटर क्यूबिक के लिए जब निकाला था तो आर इक्वल्स टू रूट 2a/4 आया था, जहाँ पे रैंक ऑफ यूनिट सेल 4 आई थी और आपने यहाँ पे फेस डायगोनल यूज़ किया था। ये आपको तीनों बातें मैंने क्लियर कर दी थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी की शुरुआत जहां से हुई है, उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा। आप जब सॉलिड को बनाते हैं तो सॉलिड को बनाने के लिए क्या होता है कि सर ऐसे आपके पार्टिकल या फिर एटम्स आके आपस में ऐसे लगते जाते हैं, मान लो इसके नीचे भी एटम्स लगेंगे, कुछ ऐसे ही तो एटम्स लग रहे हैं, आसपास और एटम्स लगते जाएंगे, तो ये क्या बना आपका, सॉलिड बना, ये आपको बात पता है। क्या आपको यहाँ पे अब पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी का सिंपल सा मतलब अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो किसी भी एटम की अपने आप को पैक करने की एबिलिटी को पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक ऐसी पैकिंग है और एक एटम जैसा है, आपका एटम्स कुछ ऐसे लगे, हालांकि ये दोनों आपस में क्लोज है, पर ज़्यादा क्लोज कौन है, ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, कम क्लोज है। तो इन दोनों में से आपको मैं बोलूँ कि कौन अच्छा सॉलिड बना रहा होगा, तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला बना रहा होगा, क्योंकि सर ये आपस में क्लोजली पैक्ड है। अब हमें कैसे पता लगेगा, हम किसी सॉलिड को देख के ऐसे जज तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे इनके बीच में ये खाली स्पेस है, तो इन खाली स्पेस को आप क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। इन खाली स्पेस इसके भी बीच में कितना, सर मान लो ये तीन एटम मिले तो इनके बीच में आपको दिख रहा है खाली स्पेस, यहाँ पे आ रहा है बहुत थोड़ा सा खाली स्पेस है, इसको भी आप क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। तो जो खाली स्पेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स। और पैकिंग एफिशिएंसी मतलब आपका क्या होता है कि सर किसी भी आपके सॉलिड की कितनी अच्छी एफिशिएंसी है। आप मोटर है, आप मोटर चलाते हैं, तो मोटर को आप कैसे बताते हैं कि सर मोटर अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही, कि वो कितनी पावर जनरेट कर रही है और कितनी बिजली को ले रही है। ऐसे ही हम सॉलिड्स के केस में ये बताएंगे कि कितना अच्छा सॉलिड है उसकी एफिशिएंसी को देख के, कि उसके अंदर कितने वॉइड्स कम है। जिसके अंदर खाली स्पेस यानी वॉइड्स कम होंगे उसकी पैकिंग एफिशिएंसी जाहिर सी बात है क्या होगी, अच्छी होगी, और वो उतना अच्छा ही क्या होगा, सॉलिड होगा। जिसके अंदर वॉइड यानी खाली कम होगा, खालीपन कम होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी, और उतना ही अच्छा वो क्या होगा बेटा, सॉलिड होगा। तो ये थोड़े से पैकिंग एफिशिएंसी और वॉइड्स के टर्म्स में आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने पिछली बार पैकिंग एफिशिएंसी को आज हमने डिस्कस किया है। पैकिंग एफिशिएंसी में सिंपल सा मतलब यही है कि आप सॉलिड्स के अंदर कैसे एटम्स को अरेंज कर सकते हैं और उसके अंदर क्या होते हैं, खाली स्पेसेस जो बीच के होते हैं, इन खाली स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, वॉइड्स बोलते हैं। समझ में आ गया? और जितने ज़्यादा आपके वॉइड्स कम होंगे, खालीपन कम होगा सॉलिड में, उतनी ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगी और उतना बढ़िया क्या होगा बेटा, आपका सॉलिड होगा, ठीक है। तो जरा हम पैकिंग एफिशिएंसी को एक बार पढ़ते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या कहती है। आपने एक एटम बनाया, मान लीजिए आपने ये एटम बनाया, या आप एटम की जगह आप पहले एक सॉलिड बना रहे हैं, ये क्या बनाया मैंने आपका, सॉलिड बनाया। ये सॉलिड बना कैसे होगा कि सर यहां पे क्या होगा, एक एटम, यहां पे एक एटम, यहां पे एक एटम, यहां पे एक एटम, ये एक एटम, ये एक एटम, ये एक एटम और ये एक एटम। तो ये सारे जब एटम्स आपस में कंबाइन हुए होंगे तो क्या बनाया होगा उन्होंने, सॉलिड्स बनाया होगा, है ना। ऊपर वाली चीज़ को भी मत पढ़ना बेटा, आप नीचे देखना पहले। तो ये क्या बनाया होगा आपने, सॉलिड बनाया होगा, कि जब सारे एटम आपस में क्लोजली पैक्ड हुए होंगे तो आपने क्या बनाया होगा, पूरा एटम बनाया होगा, है ना। आप अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाऊँ कि जब आप निकाल बचपन में आप एक चीज़ निकालते थे, जैसे मैं कहता था कि मान लो आपके पास
आप कितने, मतलब मान लो कि आप कितना अच्छा काम करते हो, तो काम करने के लिए आप कैसे निकालते थे कि सर हमारा क्या नाम है कि मेरे पास 100 रुपये थे, मान लो आपने 100 100 काम था, 100 काम में से आपने 70 काम किया, तो आपकी एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी आई, 7/10। एक बच्चे ने 100 में से 60 काम किया तो इसकी कितना आया, 6/10। तो नीचे आप टोटल लिख रहे हो ना, तो यही चीज़ आपका पैकिंग एफिशिएंसी में निकलेगा। पैकिंग एफिशिएंसी का अगर मैं सिंपल सा मतलब बताऊँ तो आप देखना, पैकिंग एफिशिएंसी का अगर इसको हम जरा मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, जनरल फॉर्म में हमने क्या पढ़ा कि पैकिंग एफिशिएंसी मतलब यही है कि कितना अच्छा सॉलिड होगा कितना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर पैकिंग एफिशिएंसी को आप मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ें तो आप समझना, ये क्या है आपके एटम्स हैं, ये क्या है बेटा आपके, ये क्या है आपके सारे एटम्स हैं, और ये पूरा क्या है आपका जो ये मैंने पूरा बनाया है, ये पूरा क्या है, एक यूनिट सेल है। तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा, किसने, एटम ने, किसमें, यूनिट सेल में, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल, कितना आपके एटम्स ने यूनिट सेल में स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा, अपॉन में कितना ये पूरा यूनिट सेल ने सॉलिड में स्पेस लिया, यानी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल। ये होती है बेटा पैकिंग एफिशिएंसी, इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि सर कितना इन एटम ने यूनिट सेल के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई किया, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय, ये लिखा है बेटा ऊपर, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल, कितना इन एटम्स ने आपका किया, इन एटम्स ने कितना आपका लिया, अपॉन पूरे यूनिट सेल ने कितना लिया। यही तो होता है कि आपने 100 काम में से कितना काम किया, इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी 100 से मल्टीप्लाई करने पे। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पैकिंग फ्रैक्शन। समझ में आया, एक बार मैं दोबारा समअप कर रहा हूँ। समअप करने पे हमारा यही है कि इन एटम्स ने इस पूरे यूनिट सेल में, इस पूरे यूनिट सेल में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, अपॉन कितना ज्यादा, कितना पूरा यूनिट सेल ने स्पेस ऑक्यूपाई किया इन सॉलिड। ऐसे ही बहुत सारे आपके टर्म्स लगे होंगे ना, यूनिट सेल है, ऐसे बहुत सारे बने होंगे आज तक, तभी पूरा कंप्लीट सॉलिड हुआ होगा। तो इन यूनिट्स, इन एटम्स ने इस यूनिट सेल में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, अपॉन स्पेस ऑक्यूपाइड बाय, इस यूनिट सेल ने पूरा सॉलिड में कितना ऑक्यूपाई किया, दिस इज द, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी। समझ में आ गया। तो अब इसके बाद हम पैकिंग, हमने पिछली बार पिछली क्लास में 3 चीज़ों की बात की थी, एक SCC, एक BCC और एक FCC। तो अब हम तीनों को डिस्कस करेंगे कि इन तीनों के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितने टाइप की होती है और क्या होती है। चलो पहले हम डिस्कस करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर SCC। SCC यानी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटर क्यूबिक हमने जो बात की थी। इसके अंदर आपका क्या था कि सर दो एटम्स, इसके अंदर आपका क्या था कि सर एक एटम ये रहा और एक एटम ये रहा, आपस में ऐसे जॉइन है और इनके बीच में R और A=2R। ये मैंने आपको पिछली क्लास में निकालना सिखाया था। तो यहाँ पे एज लेंथ कितनी है, एज लेंथ, एज लेंथ ये होती है, एज लेंथ इस केस में कितनी है, ए। सर यहाँ पे एटम की रेडियस कितनी है, कितनी है एटम की रेडियस, और इसका बेसिकली क्या रहा है, एटम की रेडियस तो हमने आर ही ली है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अब किसकी बात हुई बेटा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या है पूरा, यही तो पूरा यूनिट सेल है आपका, मेरी बात एक समझ लो सारा आ जाएगा, यही तो यूनिट सेल है। यूनिट सेल कैसा दिख रहा है आपका, क्यूब है सर, क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है, ए क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है बेटा, ए क्यूब है। समझ में आ गया। एज लेंथ और एटम रेडियस में SCC के लिए रिलेशन कितना आया था, A=2R, ये मैंने आपको ड्राइव करना पिछली क्लास में सिखाया था। रैंक ऑफ SCC, रैंक ऑफ SCC यानी कितना आया था सिंपल क्यूबिक, सर 1 आया था, पता है ना, 1/88 करके निकाला था, और रिलेशनशिप हमारी अभी हमने लिखा A=2R। ये सारी चीज़ें हमें पता ही, ठीक है। तो पैकिंग अगर हम पहले निकालना चाहें तो पहले पैकिंग फ्रैक्शन लिखते हैं,
फ्रैक्शन और एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है कि सर फ्रैक्शन के अंदर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाता है बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाता है। तो पैकिंग अगर फ्रैक्शन का मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा इसके अंदर आपका, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल अपॉन स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल। अब बेटा स्पेस जो वर्ड होता है ना, अब मान लो कि आपका एक बीकर है, बीकर के अंदर आपने बोला कि मैंने पानी भर दिया, तो आपने बीकर के अंदर पानी भरा तो मैं बोलूँ कि इस बीकर के अंदर कितना स्पेस इस पानी ने ऑक्यूपाई किया, या फिर मैं बोलूँ कि इस बीकर के अंदर कितना पानी आया, बात तो एक ही है ना, इस बीकर के अंदर पानी ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया या फिर इस बीकर के अंदर कितना पानी आया, बात एक ही है। अगर आप यहाँ से पानी कैसे निकालोगे तो पानी के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करते हो, वॉल्यूम यूज़ करते हो, वॉल्यूम वर्ड यूज़ होता है। तो स्पेस ऑक्यूपाइड को आप एक बार चेंज करके आप क्या भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहाँ तक क्लियर? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको समझाया। अब जो मैंने आपको चीज़ बोली है मैं उसी चीज़ से करूँगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल। इसकी एटम्स कितने, यहाँ पे एटम्स कितने थे आपके, टोटल एटम पर यूनिट सेल कितना आया, एक, वन, वॉल्यूम ऑफ एटम एक वॉल आपके एक आ गया। अभी आपका एटम देखने में कैसा है सर, स्फेयर है। एटम कैसा है बेटा आपका, स्फेरिकल, और स्फेरिकल की वॉल्यूम क्या आती है, 4/3 πr³। तो 1 × 4/3 πr³, ठीक है, अपॉन इसमें क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कैसा है देखने में, क्यूब का, तो क्यूब के लिए क्या आ जाएगा, a³। तो ये क्या आ गया बेटा आपका, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें a क्या है हमारा एज लेंथ, r क्या है बेटा हमारी एटम ऑफ रेडियस, तो इसको हम पूरे चीज़ को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम r के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे a और 2 का रिलेशन कितना आया था, इन केस ऑफ FCC इक्वल्स टू 2r, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1 × 4/3 πr³ / 2r³³। जब आप इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, 0.524। ये क्या आ गया बेटा आपका, पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन को अगर आपको उसमें कन्वर्ट करना हो, किस में कन्वर्ट करना हो बेटा आपको, अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना चाहें, किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे आप, पैकिंग एफिशिएंसी में, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आई वो कितनी आएगी, 52.4 आई। कितनी आई बेटा, 52.4 आई। तो SCC के केस में आपकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई, 52.4। अब ये कैसी आई, हमने पैकिंग फ्रैक्शन निकाला वो कितना आया, 0.524। पैकिंग एफिशिएंसी निकाले के मैंने आपको बताया 0.5, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें आप 100 का, तो क्या आ जाएगा, 52.4%। अगर मैं किससे पूछूं कि सर ये 52.4 आया क्या, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बोलेंगे सर ये 52.4 ये वो परसेंटेज है कि जहाँ पे यूनिट सेल के अंदर एटम्स ने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अगर मैं पूछूं कितना स्पेस आपका खाली रह गया होगा, खाली मतलब वॉइड्स कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे सर, टोटल 100% होगी, और 100% में से 52.4% आपके एटम्स ने ऑक्यूपाई किया होगा, तो जो अप्रॉक्स आया होगा वो कितना आया होगा बेटा आपका, 47.6%। तो ये क्या है आपका, परसेंटेज ऑफ वॉइड यानी खालीपन आपके उस यूनिट सेल में, और 52.4 क्या आया सर, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब कितने आपके एटम्स ने उस यूनिट सेल के अंदर ऑक्यूपाई कर रखा है, और जो ऑक्यूपाई नहीं कर रखा, जो खाली स्पेस है वो क्या है बेटा आपका, वॉइड्स। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा इसमें एक बार दोबारा हल्का सा रिव्यू लेंगे, क्योंकि तो एक बार समझ में आ जाएगा तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी। पहले हमने एज लेंथ देखा ए, एटम रेडियस आर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब, क्योंकि ये पूरा आपका यूनिट सेल है क्यूब का, ए क्यूब। ए और आर के बीच में रिलेशन हमें पता था, हमने पिछले क्लास में ड्राइव किया था, ए इक्वल्स टू 2r। रैंक यहाँ पे हमारी 1 है, ये भी हम ऑलरेडी पहले ड्राइव कर चुके हैं।
पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि एक आपके यूनिट सेल ने, एक आपके एटम ने इस यूनिट सेल में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है अपॉन इस पूरे यूनिट सेल ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है किसी भी सॉलिड में, ठीक है। स्पेस को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, पूरे वॉल्यूम कितनी है यूनिट सेल की। आपका एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। स्फेरिकल की वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 πr³। तो पहले इसकी क्या आएगा, कितने इसके अंदर एटम्स थे, हमने टोटल अपने एवरेज निकाला था यानी रैंक निकाला था एटम्स पर यूनिट सेल, तो कितना आया था 1 × में वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आपने ए और आर का रिलेशन लगाया, यहाँ से आपका 2r³ लगा, यहाँ को जब आप पूरा सॉल्व किया तो आपका क्या आया, 0.524। ये क्या आया था, पैकिंग फ्रैक्शन। जब आपने इसके अंदर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया बेटा आपका, पैकिंग एफिशिएंसी। और पैकिंग एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि कितने एटम्स उसके अंदर ऑक्यूपाइड हैं, और अगर वहाँ पे मैं पूछूँ कितना खालीपन रह गया तो आप क्या बोलेंगे, सर खालीपन को हम वॉइड्स बोलते हैं, और टोटल 100 होता है तो 100 में से 52.4 को हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 47.6%। बेटा जो ये मैंने कराई है पैकिंग एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने किसके केस में करी, एफसीसी के केस में करी। अब हम किसके किसके केस में बात करते हैं, एफसीसी के केस में बात करते हैं। देखिएगा तो हमने, अब हम पहले बीसीसी के केस में बात करते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक के केस में। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक में आपको मैंने पिछली क्लास में निकालना सिखाया था ए एंड आर के बीच में रिलेशन सिखाया था। बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या था, सर आपके कुछ ऐसा एटम होगा, कहाँ प्रेजेंट होंगे सारे एटम्स, कॉर्नर्स पे होंगे, और एक एटम कहाँ होगा बेटा आपके, सेंटर पे होगा, और लाइन आपकी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे ऐसे पास करेगी तो, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बॉडी डायगनल बोलते हैं क्योंकि बॉडी से पास कर रही है, ठीक है बेटा। तो इसको ए और आर के रिलेशन निकालने के लिए आपको मैंने एक मेथड बताया था, अब मैं आज आपको एक और मेथड बताता हूँ, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप वो रख सकते हैं मेथड। तो देखिएगा तो बीसीसी के अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालना चाहें बीसीसी के केस में, तो मैंने पहली बात आपको क्या बताई है, कहाँ होते हैं सर, कॉर्नर्स पे होते हैं, और कहाँ होते हैं बेटा, सेंटर पे होता है, सेंटर पे एक होता है, कॉर्नर्स पे बाकी आपके 8 होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आपके एरा बीच में आप यहाँ से जो चीज़ लेके जाते हैं एक लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी डायगनल बोलते हैं। ए और आर के रिलेशन निकालने के लिए दो मेथड थे, ये बीच में आपका बॉडी का, ये आपके इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे, यहाँ का आपने यहाँ पे एक बॉडी डायगनल खींची, बॉडी डायगनल का आपको ये पता है, मैंने बताया था ये टोटल कितना आया था, 4r आया था, यहाँ से इस पॉइंट तक आपको आना था, तो आप यहाँ चले और यहाँ चले, तो यानी a² + a² + a² इक्वल्स टू 4r², ये दिख रहा है ना आपको, r, तो टोटल कितना हो गया 4r। आपने यहाँ से रिलेशन निकाला तो a = क्या आया बेटा, 4r/√3। अब आप इस केस में भी आ सकते हैं, इस केस में क्या है कि आपका एक बॉडी डायगनल, यही चीज को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक आपका ये रहा, एक आपका बॉडी पे ये रहा और एक कॉर्नर पे ये रहा, तो ये टोटल कितना है 4r, जैसे इस केस में था। अब आप समझिएगा हमें कहाँ आना है, हम यहाँ हैं और यहाँ पहुँचना है, तो हम कैसे चलेंगे, ए ए और ए ए ए ए, ये हम ऐसे चलेंगे। बट इसको मैथमेटिकली एक और तरीके से किया जा सकता है, यहाँ पे आपका बेसिकली क्या बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी सी, ए बी सी अगर आप लगाएंगे तो ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो आप यहाँ से निकालेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2a, यानी ये बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी, ये बी स्क्वायर है, जो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2a² और बी की वैल्यू क्या आ गई, √2a। अब आपको कहाँ पहुँचना है, अब आप यहाँ पहुँच चुके हैं, इनके बीच में आपको ये आ गया, अब आपको ये वाला दिया हुआ है और ये वाला दिया हुआ है, आपको यही तो निकालना है बॉडी डायगनल, ये निकालना है जो 4r के इक्वल है, तो आप यहाँ पे भी राइट ट्रायंगल लगा सकते हैं, तो राइट ट्रायंगल में क्या आएगा, इसको आप c मान लीजिए, तो a² + b² इक्वल्स टू c², तो आप कैसे लिख सकते हैं, a² + b² इक्वल्स टू c², ठीक है बेटा, ऐसे आप लिख सकते हैं। और c² बेटा आपके किसके इक्वल आया, c² किसके इक्वल है, ये आपका तीन एटम्स आपस में ऐसे ज्वाइन थे, तीन एटम आपके ऐसे ज्वाइन है, r r r आर, तो ये टोटल कितना हो गया 4r, तो सी किसके इक्वल है 4r के, और इसका स्क्वायर है तो 4r² आ गया, a² तो आपका a² रहेगा, b² की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी कितना आई थी 2a², तो आप यहाँ से निकालेंगे 4r² इक्वल्स टू 3a², और a की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4r/√3, ठीक है बेटा।
ऐसे निकालेंगे फिर इसको करेंगे 16 हो जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा ई की वैल्यू 4 आर। ठीक है, दो मेथड हैं, आपको जो अच्छा लगे वो करें। आपकी एनसीईआरटी में ये वाला मेथड दिया हुआ है, ठीक है, तो आप ये वाला मेथड प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी आप ये वाला भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला बहुत सिंपलेस्ट है, ए और आर के बीच में रिलेशन निकालने का था, मैंने आपको दोनों करा दिया। इसके अंदर दोबारा देखना ये तीनों बॉडी डायगनल में, पहले हमने क्या करा कि हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना था, तो पहले हम इधर चले इन दोनों का एवरेज निकाला बी, उसके बाद हम यहाँ से यहाँ पहुँचना था, इसलिए हमने इसको इसके अंदर और इन तीनों के अंदर पाइथागोरस लगाए। पहले नीचे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस निकाल के बी निकाला, उसके बाद ऊपर वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस निकाल के सी निकाला, और सी हमारा किसके इक्वल था 4 आर के। समझ में आ गया ए आर के बीच में रिलेशन। अगर ए आर बी के बीच में रिलेशन आ गया तो हम क्या करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी स्टार्ट करते हैं बॉडी डायगनल के केस में। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में एज लेंथ कितनी थी हमारी, सर ए थी। एटम रेडियस क्या था हमने, सर ए माना था। और अभी आपका ए और आर के बीच में रिलेशन कितना आया था, ए इक्वल्स टू 4R/√3। तो सर क्या था यहाँ पे रिलेशन, ए इक्वल्स टू 4R/√3। ठीक है, रैंक ऑफ यूनिट सेल बीसीसी के केस में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी रैंक होती है, रैंक ऑफ यूनिट सेल कितनी आती है आपकी, रैंक ऑफ यूनिट सेल इस केस में 2 आती है। आपको पता है ना कैसे आई थी, 1/8 × 8+1=2। ये इजी था, ये मैं बहुत पहले करा चुका हूँ, आई होप आपको आना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, पूरे यूनिट सेल की वॉल्यूम कितनी थी, ए क्यूब थी। और एक एटम की वॉल्यूम ऑफ एन एटम, एक एटम की वॉल्यूम कितनी थी, 4/3 πr³। यही था। अब हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, वॉल्यूम कितने ऑक्यूपाई किए एटम ने, ऐसे एटम कितने थे इस केस में, 2 आए थे, तो 2 × उनकी वॉल्यूम कितनी आई, 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी थी, ए क्यूब। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, ए और आर के बीच में रिलेशन लगा दीजिए, ए और आर बीच के रिलेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8/3 πr³। यहाँ पे आप खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू डाल दीजिए 4R/√3 की होल क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करके काटेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.68। तो ये 0.68 क्या आया, पैकिंग फ्रैक्शन। अगर मुझे पैकिंग एफिशिएंसी चाहिए तो मैं क्या करूँ, 0.68 को किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 100 से, तो कितना परसेंटेज आ गया, 68%। तो 68% क्या है, तो सर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 68% पैकिंग एफिशिएंसी आने का मतलब ये है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 68% स्पेस आपके एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है और बाकी क्या है, खाली। तो मैं पूछूं कितना स्पेस आपका वहाँ पे खाली है, तो आप क्या बोलेंगे, सर टोटल 100 होता है, 68 ऑक्यूपाइड है, तो 32% आपका क्या है, खाली। समझ में आ गया, ये जो 32% है, कई बार IITs में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉइड इन द केस ऑफ BCC, तो ये 32% है। अगर आप 68% याद है तो आप 100 में से माइनस करके आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ BCC का। इसके बाद लास्ट हमारा एक और रह जाता है FCC का, वो अब हम और डिस्कस कर लेते हैं। FCC का मैंने आपको निकालना सिखाया था कि FCC के केस में A और R के बीच में रिलेशन कैसे आता है, 4R/√2, ये तीनों आपके कंबाइन होते हैं, यहाँ से यहाँ आना होता है, तो a² + a² राइट ट्रायंगल लगता है और ये 4R² के इक्वल आता है। ये हमने निकाला, मैंने आपको सिखाया था। इस केस में एज लेंथ कितनी है हमारी, A, एटम की रेडियस कितनी है R, इसके बीच में रिलेशन कितना आता है, a = 4R/√2। बेटा ये मैं निकालना ऑलरेडी आपको पिछली क्लास में सिखा चुका हूँ, जिसको ये नहीं आता वो प्लीज़ पिछली वीडियो पहले जाके देखे, लेक्चर नंबर 3, उसके बाद ये देखें। रैंक ऑफ यूनिट सेल इस केस में कितना आता है बेटा आपका, 4 आता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग अगर मैं फ्रैक्शन निकालूं तो क्या हो जाएगा, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल। तो एटम्स ने कितने किया होगा, सर 4 एटम्स हैं, और एटम्स कैसे होते हैं, स्फेरिकल, तो स्फेरिकल की वॉल्यूम आती है 4/3 πr³ अपॉन सर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कैसा है सर, क्यूब है, क्यूब के लिए वॉल्यूम क्या आएगी, ए क्यूब। तो इसको अगर आप ए और आर के बीच में रिलेशन हमने निकाल रखा है तो आप ए की वैल्यू पुट करें जैसे अभी तक करके आए, 4 × 4/3 πr³ अपॉन ए की जगह आप क्या लिख देंगे, 4R/√2³। ठीक है बेटा, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जब आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.74। तो 0.74 क्या आया बेटा आपका, पैकिंग
फ्रैक्शन। अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे, 0.74 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 74%। तो आपका बीसीडी क्या आ गया बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ एफसीसी कितना आया, 74। तो 74 मतलब क्या है कि सर एफसीसी के अंदर 74% भाग आपके एटम्स ने ऑक्यूपाइड कर रखा है। तो मैं पूछूं खाली स्पेस कितना है, तो आप कह देंगे सर 100 में से आप माइनस कर लीजिए तो 28% उसके अंदर क्या है बेटा, खाली है। समझ में आ गया? ठीक। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा कंबाइंड रिव्यू दे दूं कि अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, तो कंप्लीट हमने क्या देखा कि हमने पहले सिंपल की बात करी। सिंपल के अंदर कहाँ होते हैं सर, कॉर्नर्स पे होते हैं सारे, एट द कॉर्नर्स। यहाँ पे रैंक ऑफ यूनिट सेल कितनी आती है आपकी, कितनी आती है बेटा, रैंक ऑफ यूनिट सेल क्या आती है, वन आती है। पैकिंग एफिशिएंसी हमने कितनी निकाली, 52.4%। परसेंटेज अगर मैं पूछूँ वॉइड को, तो आप 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से माइनस करके आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 47.6% आसपास। और ए और आर के बीच में रिलेशन पूछूं तो ए और आर के बीच में रिलेशन क्या था, इक्वल्स टू 2। यही कंबाइन क्या था। अगर मैं बीसीसी के केस में पूछूं तो सर बीसीसी के केस में कॉर्नर्स पे होते हैं और एक आपका सेंटर पे होता है। रैंक ऑफ यूनिट सेल कितनी आती है, 2। पैकिंग एफिशिएंसी इस केस में 68%, यानी 68% आपके एटम्स ने ऑक्यूपाई किए। खाली स्पेस कितना होता होगा सर, 32%। और इस केस में ए और आर के बीच में रिलेशन कितना आता है आपका, 3/4। ठीक है। एफसीसी में पूछूं तो सर आपके कहाँ होते हैं, एक तो कॉर्नर्स पे होते हैं और कहाँ होते हैं बेटा, फेस पे होते हैं। इस केस में रैंक ऑफ यूनिट सेल कितनी आती है, 4। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है, 74%। और आपका खाली स्पेस कितना है, 26। और अगर आपके आर से निकालें तो √2a/4। ये बेटा आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत यूज होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आउट ऑफ थ्री दीज थ्री, इन तीनों में से सबसे अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है, तो देखते ही बोल दोगे सर एफसीसी की है, 74%। बट किसी से मैं पूछूं कि 74% का मतलब क्या है, तो बच्चे यहाँ कन्फ्यूज जाते हैं, ये पूरी चीज़ें रटते रहते हैं। तो सर 74% का मतलब ये है कि उस यूनिट सेल में 74% स्पेस एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेसिस एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और जिसमें से सिर्फ 26% आपका क्या है, खाली है, जिसको आप क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। क्लियर हुए बेटा? एफसीसी का क्लियर कितना था, तो अगर मैं पूछूं सबसे अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी किसमें, एफसीसी में 74%, और 74% का ये। एक बार में ये वीडियो देखने में समझ में नहीं आएगी, एक बार इस वीडियो को दोबारा देखें और अपने हाथ से एक बार और निकाल के देखें। मेरे कराने से नहीं होगा, एक बार आपको देखनी पड़ेगी कि ये कैसे कैसे हुई हैं। सभी का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, अगर आपको एक समझ में आ जाएगी तो तीनों समझ में आ जाएंगी। तो अगर किसी भी केस में कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मैंने आपको पूरा यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी करा दिया है, इससे बेटर आपको कहीं पैकिंग एफिशिएंसी नहीं मिलेगा। बच्चे पैकिंग एफिशिएंसी रटते रहते हैं इसकी। आपको एक और बार मैं बता दूं, ये तीनों जो मैं कराई हैं, इस बार के पेपर में 3 मार्क्स की कोई भी आ सकती है आपकी पैकिंग एफिशिएंसी की ये डेरिवेशंस। तो आपको तीनों को मैंने एक ही लाइन ऑफ एक्शन से कराया, तो आप प्लीज़ ये तीनों को एक बार गो थ्रू कीजिए और ये समरी वाली टेबल ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, इनके अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो, एक लाइन ऑफ एक्शन वीडियो लेके आने वाला हूँ कि आप कैसे इस केमिस्ट्री को पढ़ें। ठीक है, तो टिल देन आप यहाँ तक करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।